बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एएसवी किट पे, जो कि यूरो टेक्नोलॉजी में उन्होंने एएसवी किट दी है। तो दोस्तों, ये हेड का सिस्टम है, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इंजन को ये ठंडा रखती है, और दूसरा जो इसके अंदर जितनी भी ज़रात होते हैं ये अपनी तरफ लेती है और इंजन को दोबारा कन्वर्ट इंजन में अंदर फेंकती है। तो दोस्तों, इसका ये होता है कि इसको खोलने से इसकी अंदर की जितनी भी कार्बन होती हैं वो वाश करना चाहिए, इसको साफ़ करना चाहिए। आज इसको मैं मुकम्मल को खोलूँगा और आपके सामने, और इसको फिर दोबारा से हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या फंक्शन है, इसको खोलते हैं, खोल के आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर फंक्शन क्या है। तो दोस्तों, ये मुकम्मल एएसवी किट है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और ये उसका लॉक है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर प्लास्टिक का जो रिंग है, ये वॉइस का सिस्टम लगा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी कार्बन है। जब तक ये कार्बन जो इसके है क्लीन नहीं करेंगे, तब तक बाइक का जो साउंड है वो भी एक तो साउंड इसका चेंज हो जाता है, दूसरा दोस्तों इसका मेन जो है वो ये है कि गाड़ी मिसिंग करती है। और जब हम इसको फर्स्ट गियर में जब इसको एक्सीलेटर देते हैं, तो उस वक्त ये लास्ट गियर नंबर टू गियर देने तक लास्ट जो है ये बिल्कुल थोड़ी सी हल्की मिसिंग करता है। तो मिसिंग दोस्तों इसकी वजह से करता है, जो मेन इसका फॉल्ट है वो मिसिंग पॉइंट पे फॉल्ट है। जब इसका कार्बन आप बिल्कुल वॉश कर लेंगे, साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, तो उस टाइम ये बिल्कुल ही साफ शबाब, जिस तरह आप ज़ीरो मोटरसाइकिल आप इसका बाइक परचेज़ करते हैं तो सेम उसी लोकेशन में ये बात दोबारा पहुँच जाती है। दोस्तों, ये एएसवी किट जो ये सेट है, ये टोटल दोस्तों ये जा रही है इंसुलेटर जो है इसकी कार्बोरेटर की, उनके साथ इसका पैप जा रहा है। और जो दोस्तों ये मेन जो है, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो सेटअप है ये जा रहा है दोस्तों सीधा एयर टैंक में, जो एयर टैंक से फिर दोबारा ब्लो पैप की तरफ पैप जा रहा है। रास्ते में एयर टैंक है, ये पैप जो है ये एयर टैंक में जाएगा, एयर टैंक से फिर जो है वो दोस्तों इंजन के अंदर जाएगा ब्लो पैप की तरफ। और जो दोस्तों ये सेट है, ये सेट हेड की है, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं, ये सेट जो है ये हेड के साथ एक पैप लगा होता है दोस्तों, जिस पे दो क्लिप भी लगे होते हैं। तो ये हेड के अंदर है, हेड को ठंडक देती है दोस्तों, वहाँ पे ये एयर जो है वो एयर बआसानी तरीके से हेड के अंदर जाती है, तो उस वजह से बाइक बिल्कुल ठंडा होता है। और दूसरा जो उसकी मिसिंग है वो मिसिंग भी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद फिर इसको हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, एएसवी किट जो उन्होंने फिट किया है इस पे यूरो टेक्नोलॉजी पे, तो एएसवी किट के बारे में मैंने आपको बताया कि एएसवी किट क्या काम करती है, इसका किरदार क्या है, तो ये मैंने आपको पूरी ब्रीफिंग के साथ बताई है। आप इसको मुकम्मल खोल के, आप इसको वॉश करके फिर दोबारा से आप इसको फिट करें। जब आप ट्यून करवाते हैं तो उस टाइम कार्बोरेटर भी उसमें खुलता है दोस्तों, टैपेट कवर भी खोलते हैं, बाकी भी जितनी भी चीज़ें हैं ट्यून में सब खुलती हैं। जब टैपेट कवर खोलते हैं तो टैपेट कवर के साथ एएसवी किट, इस पैप के साथ जो पैप लगा हुआ है वाइट कलर का दोस्तों, उसको आप खोल लें,
उसकी उसको भी वॉश करें, एएसवी किट को भी वॉश करें, और इस एएसवी किट के जो पैप ये जा रहा है, दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, टैपेट कवर के अंदर अंदर एक डावल लगी होती है, डावल के ऊपर एक प्लास्टिक का रिंग भी होता है, वो आप डावल निकालें, डावल को बिल्कुल वॉश करें, उस पैप को भी वॉश करें जो के वाइट कलर का क्रोम का पैप है, वो भी आप इसके साथ जो लगा होता है उसको भी बिल्कुल आप साफ़ करें, वॉश करके आप उसको फिट करें, दोबारा से एएसवी किट को खोल के आप इसको वॉश करें, वॉश करके आप इसको फिट करेंगे, मोटरसाइकिल की पिक जो है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, और दूसरा ये भी होगा इसकी जो जितनी भी मिसिंग का इसका फॉल्ट है, ये मिसिंग का फॉल्ट भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखें आप इसके ऊपर कितनी कार्बन है, कितनी डस्ट है, आप देख सकते हैं, इसको वॉश करना चाहिए। ये बाइक जो जिसका एएसवी किट मैंने खोली है दोस्तों, ये टोटल ही 7000 किलोमीटर ही चला हुआ है, 7000 किलोमीटर के अंदर देख लें आप कि कितनी इसकी डस्ट होती है। जो 2013 मॉडल है, 13 मॉडल से इस टाइम तक ये एएसवी किट खुली नहीं है, तो उसका अंदर उसकी क्या पोजीशन होगी वो आप खुद आप जज कर सकते हैं। ये दोस्तों ये देखें कि ये इसकी ये टोटल जो है वो डस्ट है, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल ही साफ करना चाहिए। हर ट्यून के साथ नहीं कराना चाहते तो बेशक ना करें, लेकिन 3 ट्यून के बाद इसको ज़रूरी है कि एएसवी किट को खोलें, जिस तरह खोलेंगे सेम उसी तरह आप इसको फिट करेंगे, तो बाइक की जो पिक है वो आपकी बिल्कुल आउटस्टैंड हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर से दोबारा से हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो एयर टैंक में पैप जा रहा है उसके क्लिप को हम इसको फिट कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं किट को आपने ऐसे रखना है, और ये जो है आप जो भी ये पैप लगा हुआ है, ये इंसुलेटर कार्बोरेटर की जो इंसुलेटर हड्डी है ये वहाँ पे इसका पैप लगा हुआ है, ये आपने इसी तरह ही फिट करना है। जिस तरह आप इसको खोलेंगे आप आसानी तरीके से आप एक और काम कर सकते हैं कि एक एक चीज़ खोल के आप एक एक चीज़ भी इसको फिट कर सकते हैं। दोस्तों पहले सबसे पहले ये खोलें, उसको वॉश कर लें, उसके बाद फिर दूसरी, इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप आप खोलते जाएं, खोल के आप इसको दोबारा से दोबारा फिट करते जाएं। दोस्तों नंबर 2 के जो के हेड के अंदर जो पैप इसका लगा हुआ है इसके साथ, तो वो इसका सेक्शन हम फिट करने वाले हैं। जो नीचे वाली दोस्तों पतरी है
पट्टी और ऊपर वाली पट्टी बिल्कुल बैलेंस में होनी चाहिए। बैलेंस में रख के दोस्तों आप इसको फुल टाइट कर दें। टाइट करने के बाद दोस्तों आप इसका दोस्तों फ़कत ये बात थी, जिस तरह हमने खोला है, वाश किया है, वाश करने के बाद हमने इसको दोबारा से असेंबल कर दिया है। तो दोस्तों सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि मैंने आपको फिर एक मरतबा मैं बताता चलूं कि आप जो इसके इस पाइप के साथ दोस्तों जो पाइप लगा होता है उसको भी खोलें, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कार्बन होती है, बहुत ही ज़्यादा वो उसमें डस्ट कचरा होता है, तो वो आप इसको साफ़ कर लें, वाश कर लेंगे तो मोटरसाइकिल की पिक बिल्कुल ही ज़बरदस्त हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, और जो इसकी मिसिंग है हल्की हल्की जो ये लास्ट में मिसिंग करता है वो मिसिंग भी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फॉल्ट यही जो हमारा मेन टॉपिक है वो फॉल्ट इसका मिसिंग का ख़त्म करने के लिए ASV किट खोलते किस तरह हैं, ASV किट के अंदर फंक्शन क्या है, ASV किट को दोबारा असेंबल कैसे करेंगे, दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी ब्रीफिंग के साथ बता दी है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरह की आपके यहाँ और आपकी खिदमत में ये वीडियो ज़रूर बनाता रहूँ और पेश करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।